बहुत ही धूमधाम से। और इसी बीच ट्रक एसोसिएशन के धनंजय जी यहाँ पे आज इनको सम्मानित किया गया और हम यहाँ इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। इतना बड़ा स्थापना दिवस और मिलन समारोह मनाया गया, मकर संक्रांति भी यहाँ धूमधाम से मनाया गया। सर सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का जो भी कार्यकर्ता आए हैं सबको मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई हम देते हैं। और यह जो संगठन हमारे आदरणीय सुनील भैया के द्वारा बनाया गया है, हम निश्चित रूप से हमारा जो भी इसमें भूमिका हमको मिलेगा इसको भी हम भरपूर रूप से इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्योंकि सुनील भैया के द्वारा जहाँ आज हम लोग हैं, ये राजीव नगर का स्थापना में भी इनके पारिवारिक जो योगदान है उसको हम लोग नहीं भुला सकते हैं। और आज हम लोग पूरे राजीव नगर में हैं तो कहीं ना कहीं से इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जब आज इन्होंने जो निर्णय लिया है, इस पार्टी को जो स्थापित किया है, इसके लिए सबसे पहले तो हम इनको बहुत बहुत बधाई भी देंगे। और निश्चित रूप से मैं इसका कार्यकर्ता के नाते मैं आज से इसका कार्यभार ग्रहण करा हूँ, किया हूँ। और जो भी हमको जवाबदेही मिलेगा भरपूर इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से एक नए दिन हम लोग अगर मेहनत करेंगे, इतना तेज मेहनत करेंगे कि निश्चित रूप से इसको पूरे बिहार में हम लोग बढ़ाने का कार्य करेंगे। आइए सीधा यहाँ पे देखिए कि यह स्थापना दिवस और मिलन समारोह के जो मुख्य खलनायक के तौर पे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे है सुनील कुमार सिंह से, कुमार सुनील सिंह से हम बात करेंगे। सर आप बता सकते इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया स्थापना दिवस में, क्या कहेंगे कार्यकर्ता को, क्या संदेश देंगे? हमारी पार्टी का चौथा स्थापना आपके दर्शकों सहित हम अपनी पार्टी के बिहार सहित देश भर के पार्टी जनों को, देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच आपने देखा थोड़ी देर पहले आरा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कुमार जितेंद्र जी ने पार्टी ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे सिवान से भाई डीके सिंह जी हैं, इन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इनको नियुक्त किया गया है। और ये हमें उम्मीद है, आशा है, धनंजय शर्मा जी हैं, ट्रक एसोसिएशन से अध्यक्ष हैं और सब लोगों का कार्य बड़ी शानदार रहा है, सामाजिक कार्य हो या संगठन के रूप में हो। अब पार्टी से जुड़े हैं तो इसका लाभ पार्टी को मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कई स्टेट में हमारी पार्टी का ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से हरियाणा में गठबंधन भी है, जैसा कि अन्य राज्यों में भी हमारी बातें चल रही हैं। कई जगह पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय शेर सिंह राणा जी अथक परिश्रम कर रहे हैं पूरे देश भर में, यहाँ तक कि साउथ के राज्यों में भी मांग बढ़ी है और पार्टी हर जगह पार्टी का विस्तार होगा। और एक दिन आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हम लोग बनाएंगे, ऐसा संकल्प है। सभी कार्यकर्ता जो भी जुड़ रहे हैं एक संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं और मैं पुनः सबको मकर संक्रांति की बधाई देता हूं। अब हम डीके सिंह जी से बात करेंगे कि जिला अध्यक्ष के तौर पे यह ज्वाइन किए हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सदन में। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे आज पार्टी आपने ज्वाइन किया? आज हमने ज्वाइन किए पार्टी का, पहले से हमें ये था और आज वाले और जो सिवान में हमसे जो हो सकेगा काफ़ी ये करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम करें पार्टी के लिए कार्य करेंगे। सीधा यहाँ पे देखिए कि पार्टी का स्थापना दिवस और मिलन समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और पार्टी के कार्यकर्ता सीधा कह रहे हैं क्या कि 2025 में विधानसभा फाइट करने की तैयारी अभी से रणनीति चालू रहेगी। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24।